नमस्ते दोस्तों, आज बजट की रसोई में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बजट की रसोई में हम कुछ सरल सी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, जो आपने काफ़ी टाइम कई अलग अलग तरीके से खाया होगा, लेकिन आज मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, बजट की रसोई है तो इसमें जो घर की सामग्री है, जो आपके घर में सामग्री मिलती है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या सामग्री लगती है। एक कप हमने बेसन लिया हुआ है, 3 से 4 प्याज काट के लिया हुआ है मोटे में, बहुत बारीक नहीं, बहुत मोटा नहीं, और थोड़ी सी धनिया, थोड़ा मिर्ची, 2-3, आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये ध्यान रखिए कि इसमें अभी हम पानी नहीं मिलाएंगे, पहले ऐसे ही हम सूखे ही मिलाएंगे। ये देखिए हमारा मिल गया है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, मतलब 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिलाएंगे। प्याज पानी रिलीव करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी हम नहीं डालेंगे और ऐसे ही इसे मिलाएंगे। अब इसे हम मिलाकर अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि कैसे ये अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम छोटी छोटी वड़ी में इसे बनाएंगे और इसे तेल में हम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, और एकदम ही थोड़ा थोड़ा, कोई ज़्यादा आकार देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों से सिंपल तरीके से उठाइए और डाल दीजिए। जो पहली बार इसे बना रहे हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं, या आप चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं, पर चम्मच से जल्दी से नहीं गिरता है, इसीलिए मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। आप भी हाथ से डालिए, बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। ये देखिए, और इसे एक एक करके पलटी कीजिए और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो काफ़ी ही अच्छे से तेल में, धीमी आंच पे इसे पकाइए, बहुत तेज़ी आंच से नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएगी, मतलब पकी दिखेगी पर अंदर से ये कच्ची रहेगी, इसलिए इसे मीडियम आंच पर रखेंगे। और इसी तरह से दूसरी बैच भी डालेंगे और उस बैच को भी इसी तरह से हम चलाएंगे धीमी आंच पे और अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। ये काफ़ी आसानी से और जल्दी बन जाती है, और बारिश का मौसम है दोस्तों, तो इस तरह का खाना तो बनता है। तो रिमझिम बारिश का मज़ा लीजिए, और इसमें मिर्ची हो तो क्या बात है, महाराष्ट्र में कंदा भज्जी तो भाई फेमस है। टेस्ट किए तो रहा नहीं जाता, मैं जा रही हूँ टेस्ट करने। ये देखिए हमारी कंदा भज्जी, जो काफ़ी टेस्टी है और कुरकुरी है। तो आप भी अपनी रसोई में बनाइए और खाइए और बारिश के मज़े लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।